अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स के। पॉइंटर्स पर आप कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? तो आप पॉइंटर्स पर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि पॉइंटर के डेटा टाइप क्या है, यानी पॉइंटर की डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि वो मेमोरी में साइज़ कितना ले रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन क्या है कि एडिशन ऑपरेशन जब पॉइंटर पर परफॉर्म किया जाता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर का जो रेफरेंस होता है, यानी एक पॉइंटर मेमोरी में जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उस जगह का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में हम के एड्रेस में कॉपी कर देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। यह देखें लिखा हुआ है, चेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस रेफरेंस्ड बाय द पॉइंटर डिपेंड ऑन द डेटा टाइप, कि आपका जो एड्रेस रेफरेंस चेंज हो रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, पॉइंटर की डेटा टाइप पर डिपेंड कर रहा है। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा तो इंटीजर पॉइंटर्स के साथ तो क्या होगा कि आपका रेफरेंस बाय 2 बाइट्स आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे अगर एडिशन का साइन को यूज़ किया जाएगा तो आप बाय 2 लोकेशंस आगे चले जाएंगे। ये देखें, लेट सपोज़ ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। आप सपोज़ करें कि आपका पॉइंटर P1 जो है वो इस जगह को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और आपके पास जो है वो इंट एक n वेरिएबल है, ठीक है। आपने n का एड्रेस जो है वो एक पॉइंटर P1 के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर n मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है n, और P1 इस जगह को पॉइंट कर रहा है, क्लियर है। मैंने कहा कि n एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, जो मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह लेगा बिकॉज ऑफ इट्स डेटा टाइप, ठीक है। फिर मैंने एक P1 पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज़ करवाया और उसके अंदर मैंने n का एड्रेस स्टोर करवा दिया। दैट मीन्स कि अब P1 ने n की लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अब जब मैं P1++ लिखूँगी यानी P1 के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखूँगी, तो मेरा पॉइंटर जो है मेमोरी में 2 लोकेशंस आगे चला जाएगा। प्लस प्लस का मतलब +1 नहीं होगा, प्लस का मतलब क्या होगा कि पॉइंटर की डेटा टाइप चूँकि इंटीजर है और इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है, तो दैट मीन्स कि अब पॉइंटर P1 2 बाइट्स आगे चला जाएगा, इन 2 बाइट्स को छोड़कर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल। फिर इन्होंने कहा कि अगर इसी तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं किसी करैक्टर पॉइंटर के साथ इस्तेमाल करूं, तो अब करैक्टर क्योंकि मेमोरी में 1 बाइट लेता है, आपको पता है करैक्टर मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट लेता है, तो पॉइंटर सिर्फ 1 बाइट ही आगे जाएगा, ठीक है। ये देखें, इंटीजर में 2000 2001 2 बाइट्स आगे चला गया, करैक्टर में सिर्फ 1 बाइट आगे गया। लॉन्ग आपको पता है मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, तो लॉन्ग में पॉइंटर 4 बाइट्स आगे चला गया, ठीक है। तो ये पॉइंटर एडिशन इन्होंने बताई है आपको। फिर आता है पॉइंटर सब्ट्रैक्शन। पॉइंटर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो पॉइंटर पे नॉर्मली इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप पॉइंटर को पीछे की तरफ को मूव करा सके। यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब प्लस करना या माइनस करना नहीं है। एडिशन जो है आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होती है, और जो सब्ट्रैक्शन है वो डिक्रीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है पॉइंटर्स में। तो सब्ट्रैक्शन में क्योंकि डिक्रीमेंट होता है, तो अब आप देख लें कि अगर मैं इंटीजर पॉइंटर के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगी, यानी अगर मैं P1 -- लिखूँगी, तो अब क्या होगा कि यही पॉइंटर 2 बाइट्स पीछे की तरफ को चला जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इंटीजर डेटा टाइप, ये 2 बाइट्स पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं P1 की डेटा टाइप को करैक्टर कर दूँ, यानी मैं करैक्टर डेटा टाइप कर दूँ P1 की, तो ये लिखने के बाद जब मैं P1 -- करूँगी, तो अब P1 सिर्फ 1 बाइट पीछे जाएगा, ठीक है, क्योंकि करैक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो ये आप लोगों के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस थे पॉइंटर पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, वो इस तरीके से परफॉर्म होते हैं। मेमोरी में जो चीज़ चल रही होती है वो ये है कि एडिशन जब आप करते हैं, यानी जब आप इंक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर को, तो पॉइंटर उतनी स्पेसेस आगे जाएगा जितनी कि उसकी डेटा टाइप होगी, और जब डिक्रीमेंट करेंगे पॉइंटर को, तो पॉइंटर उतनी ही स्पेसेस मेमोरी में पीछे चला जाएगा जितनी जो कि उसकी डेटा टाइप ऑक्यूपाई करती है, ठीक है।